बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से आटे से पराठे। बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और जल्दी से बन जाते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर घर में मौजूद सामान से बनाएंगे। आप चाहें तो इन्हें मैदा से भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 1 कप जो है यहाँ पर मैं ले रही हूँ जी आटा। घर में जो भी आप लोग खाते हैं वो 1 कप हमने आटा ले लेना है। तो मैं यहाँ पर गेहूँ का आटा यूज़ कर रही हूँ, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद इसमें जाएगा जी 1/2 कप मैदा। सारी चीज़ें छान कर इसमें हम यूज़ करेंगे, यानी कि आटे को छान कर यूज़ करना है। तो 1.5 कप लिया टोटल। और इसको कुछ मसाले हैं, 1 टीस्पून नमक, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी ही अजवाइन। और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला मीठा सूरज होता है वो, थोड़ा सा चाट मसाला 1 टीस्पून। और अब इसे ड्राइंग इंजन को अच्छी तरह से हम लोग पहले मिक्सअप कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से। बारी आती है जी इसमें डालने की वो चीज़ जिससे इसमें क्रिस्पनेस आएगी, सॉफ्टनेस आएगी। तो यहाँ पर मैं दही का यूज़ कर रही हूँ। 1/2 कप इसमें मैं दही डाल दूँगी। और इस दही में थोड़ी सी मैंने एक ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डाली है। अगर से आपके पास दही ना हो, घर में अंडा हो तो आप लोग 1/2 अंडा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अंडा और दही जो है दोनों चीज़ें ऐसे पराठों में बहुत सॉफ्टनेस लेकर आते हैं, क्रिस्पनेस लेकर आती हैं। और अब इसकी जो है हम लोग एक सॉफ्ट सी डो या कुछ भी तैयार नहीं करना है, जस्ट हमें एक लिक्विड टाइप बनाना है। कितना लिक्विड ठीक होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पानी शामिल करेंगे और हमारा कितना पानी यूज़ होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा से हम पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर 1 कप जो है टोटल लग चुका है। अब इसमें और पानी शामिल करना है हमें, क्योंकि ये अभी काफ़ी हार्ड है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1/2 कप पानी लिया है, तो 1/2 कप इसमें डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। टोटल 1.5 कप या 2 कप के आसपास ये लग जाता है और हमारी जो बैटर है कंसिस्टेंसी वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, इसमें जाएगी बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च की छोटी सी डीसी चॉप करके मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें लाइट पानी में टमाटर इसमें डालेंगे एक छोटा, और उसके बाद इसमें डालेंगे गैबेज यानी कि बंद गोभी। इस तरह से हमने 1/2 कप यहाँ पर लिया क्रश करके। और प्याज जी चॉप किया हुआ 1/2 कप इसमें डाल देंगे। और इसमें लाए रखवा नहीं रहे हैं, इसमें हमें लेकर आने एक सॉफ्टनेस के लिए आलू एक बॉईल किया हुआ इससे मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा सा हरा धनिया। और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। आलू डालने से ये बहुत मोस्ट एंड सॉफ्ट बनते हैं। आप लोग इस वे में भी डाल सकते हैं या फिर कटिंग करके बॉयल करके छोटे छोटे सा वो भी आप लोग डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट आ चुकी है। ये देखिए बिल्कुल इसी फॉर्म में हमें चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ही बहुत ज़्यादा धीन है। तो यहाँ पर चलिए पैन में ऑयल हमने ब्रश कर लिया, उसके बाद इसमें इस तरह से हमने डाल देना है बैटर को और इसे हिला कर पैन को जो सेट कर लेना है इस तरह से। तो इसे पकने देंगे, फ्लेम लो कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब इस तरह से बबल जाना थोड़े थोड़े से स्टार्ट इसके ऊपर हो जाए, फिर हमें जो है इसकी साइड को कैसे चेंज करना है मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए जिसके सर को हम बिल्कुल आराम से चेंज करेंगे, और एकदम से चेंज नहीं करना, आराम आराम से इसे चेंज करना ताकि टूटने ना पाए। और आराम से चेंज करके इसकी सेट को पलट देंगे ताकि वो कच्ची साइड है पक जाए अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए जी पक चुके, दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्रिस्पनेस कितना है साइडों से आपको पता चल गया। अब हम निकाल लेते हैं, इसमें अंदर से मेरे 6 रेडी हुए थे। तो देखिए जी निकाल लेंगे, तो बाकी के भी रेडी करके चलते हैं फिर हम फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हमारे मज़ेदार से पराठे। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके लिए बहुत मज़े की और ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना रखना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।